प्राणायाम के अगले कड़ी में हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। और कपालभाति का मतलब समझ लेते हैं, कपाल मतलब मुखमंडल और भाति मतलब चमक। यानी जिस अभ्यास को करने से हमारे मुखमंडल पर ऊज तेज की प्राप्ति हो और हम सदा निरोगी रहें, और इस अभ्यास को नियमित करने से हमारे शरीर की सारी कोशिकाएं जागृत अवस्था में हो जाती हैं, वो मृत प्राय स्थितियों से पुनर्जीवित के रूप में वो हमेशा सारे अंगों को सेवा प्रदान करती रहती है। वायु में कपालभाति कैसे करना है, कपालभाति सावधानियां और कपालभाति के रोगानुसार लाभ के बारे में हम आपके बीच रखने का प्रयास करेंगे। तो किसी भी आसन में बैठ करके, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन, हम कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। कपालभाति करते समय हमें ध्यान रखना है कि नासिका से तीव्र गति से प्राण वायु को बाहर फेंकते हैं। जैसे हम छींकने का प्रयास करते हैं, यानी सांस को वेगात्मक रूप से बाहर फेंकते हैं और पेट का इलाका अंदर प्रवेश करता है। एक सेकंड में एक बार स्ट्रोक, वन सेकंड वन स्ट्रोक, यानी एक सेकंड में एक बार प्राणवायु को झटका देते हैं। और इस अभ्यास को करते समय ध्यान रखना है कि पूरा का पूरा प्राणवायु नासिका से बाहर निकलते हैं और पेट हमारा स्वतः अंदर की तरफ प्रवेश करता है। इसमें सांस लेने पर हम ध्यान को नहीं केंद्रित करते हैं, केवल सांस को बाहर फेंकने पर ध्यान केंद्रित होता है। सावधानी के रूप में 5 साल से छोटे बच्चों को ये अभ्यास हम नहीं करवाते हैं। 5 साल से लेकर के 10 साल के बच्चों को 2 मिनट से लेकर के 5 मिनट का अभ्यास, और 10 साल से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक मरते समय तक ये अभ्यास 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट तक, और कैंसर जैसे या अन्य असाध्य बीमारियों में हम आधा आधा घंटे से लेकर के 1-1 घंटे तक का कपालभाति का अभ्यास करवाते हैं। और ये अभ्यास जब हम लगातार 15 मिनट तक का करने लगते हैं तो ध्यान लगने लगता है, और जब बंद आंखों से इसका अभ्यास करते हैं तो पूरा का पूरा ध्यान प्राणवायु को बाहर फेंकने पर टिक जाता है। विशेष सावधानी के रूप में गर्भवती माताओं बहनों को इसका अभ्यास नहीं करना है। मासिक धर्म के दौरान, पीरियड्स के दौरान कपालभाति का अभ्यास नहीं करना है। पेट का कोई यदि बड़ा ऑपरेशन हुआ है तो कपालभाति का अभ्यास नहीं करते हैं। जिनको हार्ट का ऑपरेशन हुआ है उन्हें कपालभाति का हम अभ्यास अभी नहीं करवाते हैं। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, उच्च रक्तचाप, उनको यह अभ्यास हम तीव्र गति से नहीं करवाते हैं, उनमें सामान्य गति से करवाते हैं। जिनको सर में दर्द हो, तीव्र गति का माइग्रेन पेन हो, उन्हें तीव्र गति से कपालभाति का अभ्यास नहीं करवाते हैं। बाकी सभी व्यक्ति को ये 5 मिनट से 15 मिनट का अभ्यास निरंतर रूप से अखंड और प्रचंड प्रसाद के साथ करवाते हैं। तो बीमारी के रूप में किन किन बीमारियों में कपालभाति फायदा करता है, सबसे पहले गैस कब्ज की समस्या, हृदय की समस्या, कोलेस्ट्रॉल से मुक्ति, हार्ट में ब्लॉकेज हो रहे हैं तो ब्लॉकेज से भी मुक्ति होती है, कभी ब्रेन हेमरेज, कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, चर्म रोग की समस्या हो, सोरायसिस हो, सफेद दाग हो, बस इसका अभ्यास केवल लगातार करते रहना है। जब हम अभ्यास को करते हैं तो मन में एक शिव संकल्प, हे परमात्मा, मेरे भीतर के सारे व्याधियां हमसे दूर हो रही हैं, जिन जिन अंगों में जो जो बीमारियां हैं
उन अंगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कपालभाति का श्लोक लगाते हैं। आप इसका अभ्यास करते हुए जब जब सांसों को बाहर फेंकें, ओम ओम का मानसिक जप या एक प्राणायाम मंत्र है, ओम भु ओम भुवः ओम स्वः ओम मह ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम, या आप गायत्री मंत्रों का भी जप कर सकते हैं, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ओम त्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमयो बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्, ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यवकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। कैंसर जैसे भयंकर बीमारियों को भी हम कपालभाति के द्वारा दूर कर सकते हैं। बस जरूरत है, एक संकल्प है कि प्रतिदिन हम इसका अभ्यास नियमित रूप से निर्बाध रूप से करते रहें और ऐसा अभ्यास अपने परिवार के सारे सदस्यों को और ऐसा अभ्यास अपने समाज, पूरे राष्ट्र और पूरे विश्व के कल्याण के लिए, जब इस हम अपने पूर्वजों की परंपराओं को, अपने पुरखों की इस विराट विरासत को आगे की तरफ जब प्रवाहित करते हैं तो सारा समाज एक दिन निरोगमय होगा, एक दिन सुख शांति समृद्धि को प्राप्त करेगा। तो आइए इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस अभ्यास को अगले अभ्यासों की तरफ ले चलते हैं।